मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं किचन में आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स रोज के ही जैसे ही मैंने ये कढ़ाई ले ली है और उसमें डाला है सरसों का तेल, जीरा और जख्या का तड़का लगा लिया है। जीरा चटकने के बाद मैंने उसमें सब्जी डाल दी। तो आज मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ पत्ता गोभी और आलू की। तो एक छोटा सा आलू लिया था मैंने और पत्ता गोभी, और उसको मैंने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करके छोड़ दूँगी थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर और दो हरी कटी हुई मिर्च। तो इसको डालने के बाद मसाले डाल दूँगी, रेगुलर मसाले। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं ये सब्जी बनाती हूँ पर खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। जिसको पसंद हो पत्ता गोभी, तो रावत जी को पत्ता गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो हमें पसंद है, हमें अच्छी लगती है। तो जो भी रेगुलर मसाले हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी नहीं डालूंगी मैं, ऐसे ही इसे सूखा ही धीमी आंच में बनाऊंगी। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने में, तो जल्दी बन जाती है। तो अब मैंने साइड वाले चूल्हे में रख ली है सब्जी, और इधर मैंने कढ़ाई फिर से ले ली है, उसमें सरसों का तेल डाला है और फिर से मैं इसमें डालूंगी जीरा। और जीरा डालने के बाद जीरा चटक चुका है, और उसके बाद मैंने इसमें डाला एक क्या है मतलब दो मीडियम साइज़ के प्याज थे, वो डालकर अच्छे से मैं इनको प्याज को फ्राई कर लूँगी। तो उसके बाद मैं क्या बनाने जा रही हूँ, इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है काट कर, और इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं इसमें चने फ्राई कर रही हूँ, रात को मैंने चने भिगाए हुए थे, तो उनको मैं अच्छे से थोड़ा सा इसके साथ प्याज वगैरह डाल के फ्राई कर दूँ तो अच्छे लगते हैं खाने में। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया है और उनको अच्छे से थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं मतलब थोड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से पकाने के बाद, चने डाल दिए हैं। और वही रेगुलर मसाले मैं इसमें डाल दूँगी, मतलब हरी मिर्च तो डाली है, लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्दी डालूँगी और थोड़ा धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, और इसको ज़्यादा भी नहीं पकाना है, थोड़ा सा दो चार मिनट पकाऊँगी। तो ऐसे ही खाने में ये बहुत अच्छे लगते हैं, और रावत जी कहते हैं कि ये मेरे प्रोटीन का सोर्स है। तो ये देखिए बनकर तैयार है नाश्ते में ये और सब्जी। तो रावत जी खुश हो जाएंगे ये देख के, चने देख के। और उसके बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, तो फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और फिर मेरा नाश्ता बनकर तैयार है। क्या हो गया इसे, ये क्या कर रहा है, ये डांस है तुम्हारा? वाह, डालो कूड़ा डालो। मैं तो छोटा वो आए थे वो लाए थे, कौन वो अंकल आए थे। अब इसमें क्या होगा, खोल के देखो, वैसे भी खुला हुआ है ये, खुल देखो, इसकी ओपन हो रखी थी ये, है ना टैप। इस बार ये वाली अमेज़न वाली जो सील है ना, ये ओपन मिली है देखो। अरे वाह, इसमें तो आदि को ये मिला है। वाह, क्या है ये आदि? आदि के लिए क्या है वो दूसरे चीज पे उसकी नजर। ये देखो ये क्या है, ग्लूकोन डी। ये बोतल कौन रखेगा, मेरी हो जाएगी ये बोतल, तो नई वाली बोतल दी, वो मेरा है। इसको छोड़ो तुम अपनी चीज पकड़ो, वो आपकी है, ये मम्मा की है। ये देखो, इतना छोटा सा आया है, बताओ उस, ये ट्राइपॉड मंगवाया था जो मैंने फ्रेंड्स मंगवाया था, क्या ट्राइपॉड ऑर्डर किया था मैंने अपने लिए, मोबी लाइफ का है ये। वो सोच रहा है ये क्या है, है ना, तभी तो कह रहा हो कि मुझे दो। ये फोन लगाओ छोड़ो। अच्छा ये देखो अभी टाइट है कि लूज है, ये फोन सही से आ रहा है, फोन टाइट है, फोन सही है। तो ब्लॉगिंग करके दिखाओ। अच्छा ये ऑप्शन है ऐसे रखने के लिए, है ना, कहीं पे ऑप्शन।
आदिया ब्लॉगिंग करेगा। तो बोल तो लो कुछ, बोलो हेलो फ्रेंड्स। और यहाँ पर अंशिका को देखो, अंशी पता नहीं क्यों सुस्त बैठी हुई है। क्यों अंशी, तुम खुश नहीं हो? अंशी स्कूल से आती है बिल्कुल ऐसे थकी हुई आती है बिल्कुल, बस है ना। हाँ क्या होता है? ओ देखो आदि बोल रहा है कुछ। क्या बोल रहे आदि? कुछ तो हो जाता है। आदि तो बिल्कुल एनर्जी के साथ आता है स्कूल से। ये देखिए आदि फिर से आइसक्रीम में लग गया और बेड में बैठ गया खा रहा है। नीचे बैठ के खाओ, गिराओगे तो फिर पिटोगे मेरे हाथ से, ठीक है? अब वो देखो तुमने वो फेंक दिया उधर, अब गिराना मत, ये तो नीचे बैठ के खाओ। और मैं खाऊंगी ये लच्छा कुल्फी बोलते हैं यहाँ पर इसे, और रावत जी लेकर आए थे कल। अच्छा खा लो, तुम आलिया भी रखा है पापा ने वहाँ पे। आज आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करने जा रही हूँ। ये साड़ी जो मलाम ने प्रैंक वीडियो बनाया था ना कि मम्मी की साड़ी गुम हो गई है, तो ऐसे ही मेरे साथ हो गया था असली में ही। रावत जी मेरी साड़ी लेके नहीं आए थे, मैंने कब ले ली थी, 9 तारीख को शायद में साड़ी लेने, और तब से अब 10 दिन बाद रावत जी मेरी साड़ी लेकर आए हैं। तो मैं आपको अपनी साड़ी दिखाती हूँ। ये साड़ी ली है मैंने इस तरीके से, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मतलब कैसी लग रही है। ये है साड़ी, ये नीचे बॉर्डर है और ये पल्लू इस तरीके से है, और कलर कैसे लग रहा है। और बाकी फुल लुक आपको शादी में देखने को मिलेगा, ये इस तरीके से। बस आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैंने ये लिया है, एक ये साड़ी ली है और कुछ सूट लिए थे जिनको मैं सोच रही हूँ तैयार करने की, देखते हैं कौन कौन से तैयार हो पाते हैं। और एक ये वाला सूट था, तो मैं ये सोच रही हूँ, मैंने खोल के देखा था, ये वाला सूट तैयार करने की सोच रही हूँ। ऐसा है ये, तो शादियों की तैयारी मतलब फुल ऑन चल रही है, क्योंकि घर की शादी है, मेरे देवर की शादी है, तो अच्छे से तैयारी करने तो बनती है। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं सोच रही हूँ मैं इस गाने पे डांस भी करूँ, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता है, ये मजाक था। और रावत इतना हंस रहे हैं कैमरे के पीछे, और जब एक मुक्का पड़ेगा सब सेट हो जाएंगे। मुझे हंस रहे हैं तो। और एक ये मैंने कॉटन का सूट लिया था अपने, ये डेली पहनने के लिए ऐसा ही रहता है ना, क्या है इसमें अच्छा, इसके अंदर बटन है, तो ये सिंपल सा ही लिया है, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों में तो ऐसे कॉटन के सूट ही कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये तो हुई मेरी शॉपिंग, और अब मैं अंशिका की दिखाती हूँ आपको कि अंशिका के लिए मैंने क्या लिया है। मैंने नहीं, सॉरी हमने, रावत जी बोलेंगे सारा क्रेडिट अपने आप ले लेती है, मेरा तो कोई कहीं नाम ही नहीं लेती है, ऐसे बोलूँगी। वही अंशिका के लिए बहुत सारे ड्रेसेस देखी समझ नहीं आया, तो उसे यही ड्रेस पसंद आई, इस तरीके से ये गाउन है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये गाउन लिया है। और आदि के लिए तो पहले लिए थे मंडन में, तो एक दो और लिए, तो वही पैंट कमीज वही सेम ही होती है, और रावत जी ने पैंट कमीज लिया है, तो जेंट्स का तो ऐसे ही होता है सिंपल। तो ये हमने अपने लिए किया शॉपिंग, और अंशिका के लिए गाउन लिया है, इतना ऐसा लेंथ में ऐसा सिंपल सा है, गर्मी में है साड़ी तो जहाँ शादी होती है वहाँ जाने के लिए। हाँ जहाँ पर शादी होती है वहाँ जाने के लिए, अब नहीं चाचू की शादी के लिए। तो ये फुल ऑन तैयारी चल रही है हमारी शादी की, और तो आप चैनल पर बने रहना, अगले महीने शादी है तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में मैंने आपको ये सब अपनी शॉपिंग वगैरह ही दिखाई है, और इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी शॉपिंग आपको कैसी लग रही है, कमेंट जरूर करना। मगर कमेंट हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।